चैप्टर है, आप जरा गाइड करेंगे काइंडली, कैन यू रिकॉल लास्ट टाइम कहाँ पहुंचे हम? टिश्यू चैप्टर बताएंगे जरा। चैप्टर नंबर बताएंगे लास्ट टाइम जो किया था हमने? क्या क्या इलेवन इलेवन चैप्टर का मतलब मनी का चैप्टर चल रहा है हमारा तो? इलेवन तो, लेकिन हम लोग जो इन्फ्लेशन पढ़ेंगे वो सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ेंगे। जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी कंट्री में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए। दैट इज सीपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें ये बताता है कि किसी भी कंट्री में यह राइज इन प्राइस क्या है। सीपीआई स्टेट्स द रेट ऑफ राइजिंग प्राइस लेवल। इसका एक तरीकाकार ये है कि जब आप किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं इन्फ्लेशन, सीपीआई क्या है? सीपीआई इज मेजर करते कैसे हैं हम लोग? सबसे पहले कंज्यूमर आइटम्स डिसाइड की जाएंगी, उसके बाद उसका प्राइस इंडेक्स लिया जाएगा।
प्राइस इंडेक्स थर्ड पे हम लोग वेट्स लेंगे। अभी बताऊंगा ये चीजें कैलकुलेट कैसे करते हैं। और उसके बाद वेटेड प्राइस इंडेक्स ली जाएगी। अच्छा, आइटम्स लेने का तरीकाकार ये होगा कि आपने वो तमाम आइटम्स लेनी है जो कंज्यूमर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, लाइक फूड, हेल्थ केयर, फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और हाउसिंग कर लेते हैं। पहले तो आप ये करेंगे तमाम बच्चे कि हम कोई ऐसी आइटम्स लेंगे जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें, कंज्यूमर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, अब उसके बाद हमने लेनी है कि प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स लेने का तरीका ये होता है कि 100 बेस बनाकर हम देखते हैं कि लास्ट ईयर से दिस ईयर कितना इजाफा हुआ प्राइसेस में। सपोज फूड में हम कहते हैं जी 15% एडिशन हुआ है, तो हम प्राइस इंडेक्स बनाएंगे 115। हेल्थ केयर मेडिकल हम कहते हैं जी 0% इजाफा, 5% इजाफा हुआ है, तो 105। अब सपोज एजुकेशन में, जो कि यकीनन नहीं हुआ, 5% डिक्लाइन आया, प्राइस कमी हुई है, एजुकेशन सस्ती हुई है पाकिस्तान में, तो हम 5% कम करके 95 करेंगे इसको। ट्रांसपोर्टेशन में हम कहते हैं जी 10% इजाफा हुआ, और हाउसिंग के अंदर हम कहते हैं जी 2% इजाफा हुआ, राइट जी। तो ये हमारे सारे प्राइस इंडेक्स आ गए। जिस चीज की प्राइस में इजाफा होगा वो प्लस करके लिखी जाएगी, जिसमें कमी होगी उसमें माइनस करके लिखा जाएगा। इसके बाद लिखा जाए वेट्स। अब वेट्स का मतलब होता है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग अपनी टोटल इनकम का 20% फूड पे खर्च करते हैं, 10% हेल्थ केयर पे, 25% एजुकेशन पे, 15% ट्रांसपोर्टेशन, कितने हो गए जी, और 30% हम यहाँ पे लोग हाउसिंग के ऊपर अपना खर्च करते हैं। अब ये सारे हैं वेट्स, याद रखिए इसका सम हमेशा 100 होना चाहिए। वजह ये है 100 होने की कि आप अपनी जो भी टोटल इनकम है उसमें से ही। सर ये पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको?
अब देखिए आप जवाब, सो वी मस्ट बी यू नो लाइक अ प्रोफेशनल बाय एटीट्यूड एंड सो फॉर हिज क्लास. नहीं आप देखे ना गजनफर, आपने कहा ना आवाज आ रही है, समझ आ रही है, वट एवर. सो रेस्ट ऑफ द क्लास को भी रिप्लाई करना चाहिए, इंटरेक्टिव होता है. ऑनलाइन पहले इतना बोरिंग सेशन होता है, ऊपर से आप बोलते नहीं है और ये हो जाता है लेबोरियस. सो वन शुड बी इंटरेक्टिव इन अ वे सो दैट क्लास के अंदर फीलिंग आए ट्रैफिक की, कमेंट्स हो रहे हैं, कमेंट्स यस नो चल रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं, आंसर हो रहे हैं. ये बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए. वेटेड इंडेक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. अब बताएं जरा वैल्यूज, आप बताएं फिर, मैंने नहीं करनी है मल्टीप्लाई. अब करें जी 115 इंटू 20. बताएं जी, ट्वेंटी 300. ओके 105 इंटू 10 क्विकली विदाउट कैलकुलेटर. नो कैलकुलेटर. 105 इंटू 10 जस्ट एड जीरो एट द एंड. 95 इंटू 25 नो वन कैन इवन ऑब्वियसली. कैलकुलेटर से क्या होता है ना, यस 11 110 इंटू 15 110 इंटू 15 3060. अब इन सबको ऐड कर देंगे ना हम लोग, सम करेंगे. 3060. What you were saying about melon? What a melon? What you were saying? Man, this Baba has taken one day. Today, my Baba has taken one day. My Baba has taken. What a melon? Just you are left. You are not taken. Just I am left. Okay, I will take. Okay, don't you worry. Tomorrow you take. Inshallah. 10435. 10435. Good memory, mashallah. Ji, this is the sum of all these, you know, weighted price index. अब हम ये करेंगे. CPI कैसे calculate होता है जी? CPI. हम पहले निकालेंगे इसका mean. मीन निकलेगा 10435 ओवर 100. इसको इस पे डिवाइड करेंगे, यह आएगा 104.35. मुझे थोड़ा सा रिवाइज करने थे सबके लिए, वन गो में सुने क्या किया हमने. पहले हम लेंगे कंज्यूमर प्राइसेस, कंज्यूमर आइटम्स, प्राइस इंडेक्स लेंगे, वेट्स लेंगे, वेटेड प्राइस इंडेक्स लेंगे, उसका सम लेकर उसको 100 पे डिवाइड करेंगे. अच्छा बच्चा मुझे बताइए, लाइक हमने जो भी कैलकुलेशन की है ऑब्वियसली ये किसी ना किसी ईयर की बेस पे की है ना. हम सपोज करते हैं कि ये 2018 पे, 2018 पे हमने 2018 की बेसिस पे ये रेट लिया है,
इसी तरह 2019 का भी कोई ना कोई डाटा होगा ना, बताइए। अगर इसी तरह की कैलकुलेशन 2019 में भी तो की गई होगी ना सर, हर साल की जाएगी ना ये कैलकुलेशन। तो अगर टू नाइनटीन में, अगर 2019 में ये एवरेज आई 107, तो सीपीए का फॉर्मूला चेक कीजिएगा जरा, करंट एवरेज मीन माइनस डिवाइडेड बाय अब करंट ईयर क्या आया जी, 107, लास्ट ईयर कितना था 104, बेस 104, इंटू 100, बताएं जी। क्या आएगा जी, टू पॉइंट एट एट और राउंड ऑफ इज 3%। थ्री परसेंट जो है हम ये कहेंगे इन्फ्लेशन रेट ड्यूरिंग 2019 was 3%। अब बताइए पॉइंट समझ आए सबको, इस तरह से किसी भी कंट्री में हम महंगाई को चेक करते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है इन्फ्लेशन रेट 9% है, 11% है, 12% है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार वैसे ना अजीब बात है, हमारे यहाँ सिलेबस के प्रेशर में टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ और ये मेरा स्टांस है, सिस्टम सपोर्ट नहीं करता जी। एग्जैक्टली, सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, वरना यकीन जानिए मैं समझता हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ानी नहीं चाहिए, इकोनॉमिक्स सिखानी चाहिए, यानी इकोनॉमिक्स पढ़ानी नहीं चाहिए, इकोनॉमिक्स सिखानी चाहिए। एक से होल्ड कीजिएगा प्लीज।
तो मैं ये समझता हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ानी नहीं चाहिए बल्कि इकोनॉमिक्स सिखानी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब सिस्टम आपको पता है इस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम, वरना ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखानी चाहिए कि किस तरह से इन्फ्लेशन, किस तरह से चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं। आगे वो कहते हैं जी इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है जी। एक तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अगर इन्फ्लेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा तो जो रिच होगा वो रिचेस्ट होगा, जो पुअर होगा वो पुअरेस्ट हो जाएगा, जो फिक्स इनकम ग्रुप लोग हैं वो और गरीब हो जाएंगे, जो हाई इनकम ग्रुप हैं वो और अमीर हो जाएंगे। डिस्टॉर्शंस का मतलब होता है कि अगर प्राइसेस बहुत तेजी के साथ तब्दील होंगी तो बिजनेस अनसर्टन होगा, लोग कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लेंगे लॉन्ग टर्म, लोग शॉर्ट टर्म में डिसीजन करना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म के अंदर लोग कोई प्रोजेक्ट ही नहीं करेंगे। लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ हम एडवांस पकड़ते हैं, सपोज यहाँ एडवांस पकड़ते हैं 1 मिलियन के हिसाब से और आप 15 दिन के बाद प्राइस रेट बढ़ जाता है, वो वायबल ही रहता। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अनसर्टन हो जाती है, राइट जी। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं अपना, नेक्स्ट टॉपिक हाँ जी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। आप देखे ना कितनी तेजी के साथ, कितनी स्पीड के साथ चेंजेस आ रही हैं, सवाल ही पैदा होता कि फिर आप कैसे वायबल रहेगा काम आपके लिए, कैसे आप सरवाइव करेंगे लोगों के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज हमारे यहां तो दो दो दिन के वक्फे से चीजें जो है ना कॉस्ट चेंज हो रही है, यानी कि दो दो तीन तीन दिन के हिसाब से आप देखिए कि प्राइसेस शूट करती हैं। तो जब इतनी तेजी के साथ प्राइसेस चेंज होनी है तो फिर उस मुल्क के अंदर लोग कैसे वो है सरवाइव करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी कैसे सरवाइव करेगी। जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जनाब ये 1 मिलियन का सामान है मुझे बना दें, आप कितना पैसे लेंगे, आप कहते हैं जी 5 लाख मुझे एडवांस दे दें, बाकी बाद में हम ले लेंगे आपसे। अभी आप एडवांस पकड़ते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट तो आप लोग बेहतर समझते हैं, पाकिस्तान जैसे मालिक के अंदर जहां जिधर चीजें जो हैं वो
पॉलिटिकली ज्यादा देखी जाती है। इकोनॉमिक ना देखी जाती हूँ, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा मुझे, लेकिन आप बस ये बताएं, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? चैट में सिर्फ मुझे यस नो कर दीजिएगा। हेलो, मैंने कहा सिर्फ चैट में आप मुझे यस नो कर दीजिएगा, थोड़ा सा नॉइजी फील होगा 5 मिनट्स के लिए प्लीज, मैं डिस्कनेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ इसलिए। अच्छा, दो टाइप्स हैं हमारे पास इन्फ्लेशन के, एक है कॉस्ट पुश और एक है डिमांड पुल, यानी कि प्राइसेस के शूट करने की यूजुअली हमारे पास दो रीजंस होते हैं, एक है डिमांड पुल और एक है कॉस्ट पुश। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेटा आप जरा ना सिर्फ 5 मिनट्स की 5 मिनट्स प्लीज होल्ड कीजिएगा, या थोड़ा सा श्योर है, जस्ट 2-3 मिनट्स प्लीज।
दो ऑप्शंस या दो सिचुएशंस होती हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस भी है। एक को हम कहते हैं कॉज ऑफ डिमांड और एक को हम कहते हैं कॉज ऑफ सप्लाई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि जो प्राइस का इंक्रीज है ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। आप लोगों को एडी की इक्वेशन याद है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर किसी कंट्री में कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर दे, ट्रेड भी इंक्रीज हो जाए, तो सारे का सारा एडी इंक्रीज करेगा। बताइए, सारे का एडी इंक्रीज करेगा। इधर से होके ना, हाँ अब जो अब ये अगर आपका ए एस है और ये आपका एडी है, तो ये प्राइस लेवल है। और अगर एडी बढ़ता जाएगा, और आपको याद होगा हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पढ़ा था, याद है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या होगा? प्राइस शूट करना शुरू कर देगी। अब आपको इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स वाला टॉपिक याद होना चाहिए। अगर आपको इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशन गैप्स याद हैं, तो ये आपको समझ आएगा कि जब एडी इंक्रीज होता है, एडी शूट करता है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल भी शूट करता है। ओके जी, दूसरी साइड कहलाती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हमें इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है कि अगर किसी कंट्री में कॉस्ट ऑफ, अब आप रिप्लाई करेंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा और एक इंटरेक्टिव होगा। बताइए, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, ये कहेगा लिखा है, इसको लिखा कहीं, लिख लो ना इसको, एंट्री करो इसको बेटा। बताइए ना कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो आप तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। रॉ मटेरियल की प्राइसेस अगर बढ़ जाएं, बिजली के रेट्स बढ़ जाएं, तो क्या होगा? उससे गवर्नमेंट टैक्सेस लगा दे, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ें, गवर्नमेंट टैक्सेस लगा दे, कोई बिजली महंगी हो जाए, कोई गैस महंगी हो जाए, तो उससे क्या होगा? उससे सर
आपके लिए प्रोडक्शन वायबल नहीं रहेगी, प्रोडक्शन वायबल नहीं रहेगी। तो जब प्रोडक्शन वायबल नहीं रहेगी तो फिर आप प्रोडक्शन कम कर देंगे। जब प्रोडक्शन आप कम करेंगे तो सप्लाई बताएं क्या होगी, सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जब प्रोडक्शन कम होती है मार्केट में तो शॉर्टेज इंक्रीज होती है। बताइए, देखें अब सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए। तो जब टैक्सेस लग गए हैं और आपसे वायबल नहीं रहेगा काम करना तो अल्टीमेटली प्राइस विल इंक्रीज। इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बात समझ रहे सर? अंडरस्टैंड किया पॉइंट? इजी था वैसे तो। है अब देखनी कॉजेस। अगर इकोनॉमी के अंदर आपने प्राइसेस को कंट्रोल करना है, प्राइसेस को कंट्रोल करना है, क्या करेंगे हम? पहले देखनी पड़ेगी उसकी कॉजेस क्या हैं। तो पहली कॉज इसकी याद रखें, जो मेजर कॉज इसकी, अच्छा कॉजेस को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। कॉजेस फॉर डिमांड पुल, डिमांड पुल, कॉजेस फॉर डिमांड पुल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की क्या कॉजेस हैं जी? सबसे पहली, अगर मुल्क के अंदर लोग कंज्यूम ज्यादा करना शुरू कर दें, लोग ज्यादा स्पेंडिंग शुरू कर देंगे, लोग ज्यादा कंजम्पशन शुरू कर देंगे तो उससे एडी बढ़ेगा कि नहीं? एडी की कोई याद है आपको? अभी लिखी थी तो अगर सी इंक्रीज हो रहा है सी इंक्रीज हुआ या गवर्नमेंट इंक्रीज कर अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स या मुल्क के अंदर एक ऑप्टिमिज्म चल रहा है कि जनाब इन्वेस्टमेंट से बड़ा फायदा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए या फिर ट्रेड इंक्रीज हो जाए, यही चार वजूहात हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि आपका जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो होगा, क्योंकि डिमांड विल इंक्रीज। और दूसरी साइड क्या है या दूसरी ऑप्शन क्या है? जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज का एग्जांपल ये है। मिसाल के तौर पे लोगों को ये फीलिंग, मैं आपको ये क्वेश्चन है इनका मंसूर का, और मंसूर पूछ रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन कैसे होता है, इसकी एग्जांपल दे दें। मंसूर आपने यही पूछा मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन कैसे होता है, ये पूछना चाह रहे बेटा? जी, बिजनेस साइकिल का जो ये वाला फेज होता है इंक्रीजिंग फेज, इस फेज में हमने बिजनेस साइकिल पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आप मुझे बताइए, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, डिमांड फॉर रॉ मटेरियल बढ़ेगा, डिमांड फॉर लैंड बढ़ेगी, डिमांड फॉर यूटिलिटीज बढ़ेंगी, सब कुछ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा?
तो उससे ओवरऑल क्या होगा, एडी इंक्रीज करेगा। तो जब एडी इंक्रीज करता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस शूट करती है। गॉट इट? चले दूसरी साइड पे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होने की रीजन बड़ी कॉमन है। मसलन सबसे पहले अगर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल हो जाए, अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस शूट कर जाएं, ऑयल प्राइसेस शूट कर जाएं, ऑयल प्राइसेस शूट कर जाएं, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाए, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है ना जी। वेजेस अगर शूट कर जाए तब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अगर टैक्सेस बढ़ जाएं, जीएसटी बढ़ जाए तो टैक्सेस के बढ़ने से भी प्राइस शूट कर जाती है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कॉस्ट को पुश करती हैं, प्रोड्यूसर को डिस्करेज करती हैं। जब प्रोड्यूसर को डिस्करेज करती हैं तो प्राइस ऑटोमेटिकली फॉल कर जाती है। प्राइस राइज कर जाती है। मैयर्स वही है जो कॉजेज से हैं। मैयर्स कॉजेज से निकलेंगे ना जी, लाइक कंजम्पशन को रोका जाए। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जनाब ये टैक्सेस प्राइसेस बहुत शूट कर गई हैं तो हमें इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, तो कंजम्पशन रोकें, लोगों पे इनकम टैक्स लगाएं, लोगों के पास बहुत पैसा है ना खर्च करने के लिए, तो इनकम टैक्स इंपोज करें, इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करें। मेजर है इस साइड पे, रॉ मटेरियल की प्राइसेस ना बढ़ने दे, ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करें, इंटरेस्ट रेट को रोके, वेजेस को एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करें। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो आपकी कॉस्ट को बढ़ाते हैं। आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। मुझे बताएं यहां तक पॉइंट समझ आए आपको? एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ डिस्कस करूंगा, ये रीडिंग बेस्ड है, आपने इसकी खुद रीडिंग करनी है, लेकिन मैं सिर्फ डिस्कस कर देता हूं थोड़ा सा। इसमें दो तीन चीजें हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इसको जॉबलेसनेस या बेरोजगारी कहते हैं, जॉबलेसनेस का मतलब होता है वेद देन देर इज नो जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वॉन्ट टू पार्टिसिपेट।
जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अगर उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, देखिए एक तो काम ही नहीं करना चाहते, एक को एक का तो इंटरेस्ट ही नहीं है, वन इज नॉट लुकिंग फॉर जॉब, लेकिन एक वो जो क्वालिफाइड है एक्सपीरियंस्ड है जॉब करना चाहता है लेकिन उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, उसको कोई जॉब करने का चांस नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली इसको इस सिचुएशन को फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं। एबल एम्बॉडीड का मतलब होता है काम करने के काबिल, लुकिंग फॉर जॉब बट फाइंड वन एट करंट वेज रेट। एक शख्स जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम करने का मौका ही नहीं मिलता, काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। चार तरह की होती है वैसे ये, डिमांड एफिशिएंट मतलब अगर डिमांड फॉर लेबर किसी मुल्क के अंदर अगर डाउनफॉल चल रहा है, किसी मुल्क में अगर डाउनफॉल चल रहा है क्राइसिस चल रहा है, तो याद रख लें उस मुल्क में डिमांड फॉर लेबर बहुत कम हो जाती है। जैसे आजकल पाकिस्तान में देखे दो साल हो गए तकरीबन, दूसरा साल शुरू हो गया, कोविड की वजह से रिसेशन चल रहा है, हालात खराब चल रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या है? डिमांड फॉर लेबर नहीं है। अब डिमांड फॉर लेबर क्यों नहीं है? चूंकि काम ही नहीं है मार्केट में, तो इस सिचुएशन को हम डिमांड डेफिशिएंट कहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है स्विचिंग फ्रॉम लेबर टू मशीन्स। अगर आप लोग लेबर का इस्तेमाल दिन ब दिन कम करते जाएं, मशीन्स का इस्तेमाल बढ़ाते जाएं, तो बताइए फिर क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी या नहीं होगी? बोलिए। नहीं 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 स्ट्रक्चर और चीज है, स्ट्रक्चर बिहेवियर का होता है, इकोनॉमी में लोगों का बिहेवियर। स्ट्रक्चरल को टेक्नोलॉजिकल भी कहते हैं, व्हेन यू आर यूजिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजी मोर देन ह्यूमन बींग्स। इसके बाद रियल वेज, अच्छा वैसे इसको कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल।
वेज प्राइस स्पाइरल। एक बात बताएं मुझे, आपकी डिमांड फॉर लेबर ये है, सप्लाई ऑफ लेबर ये है, फॉर एग्जांपल ये डिमांड फॉर लेबर है, ये सप्लाई। इफ अ मशीन कैन वर्क मोर देन 100 एम्प्लॉय, डिमांड फॉर एम्प्लॉय विल डिक्रीज, क्रिएट डेफिसिट। यस यस मंसूर यस, और आपका वेज रेट चल रहा है 1000 पर डे, ट्रेड यूनियंस रफड़ डाल के बैठ जाती हैं कि जनाब इन्फ्लेशन बहुत हाई है, हमने 1000 पर डे पे काम नहीं करना, स्ट्राइक करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, गवर्नमेंट के रिप्यूट को स्टेक ले आती हैं, गवर्नमेंट कहती है ओके डन, हम आपसे तय करते हैं मिनिमम वेज रेट, $1500 per day। गवर्नमेंट को पूछें, आपने प्रोटेस्ट के चक्कर में 1500 per day कर दिया है, क्या लोग 1500 पे हायर करने को तैयार होंगे? इन लोगों को जो वर्कर 1000 में अवेलेबल था, क्या अब उसको 1500 में अवेल करने के लिए कोई तैयार होगा? नहीं होगा ना सर, नहीं वायबल होगा, हो गया छुट्टी करो भागो यहां से, यानी कि आप यूं समझ लें सप्लाई ऑफ लेबर ये होगी, डिमांड फॉर लेबर ये होगी, सरप्लस आ जाएगा, तो सरप्लस आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, सरप्लस होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। आखिरी बता रहा हूं, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल कहते हैं टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, याद रखें। टेम्परेरी का मतलब होता है व्हेन when one is not satisfied, when one is not satisfied with current job, चाहे सैलरी की वजह से, टाइमिंग की वजह से, बिहेवियर की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, एंड स्विचिंग ओवर अदर जॉब, वो किसी वजह से डिससेटिस्फाइड होकर किसी और जॉब पे जाना चाहता है, आप बताइए इन बिटवीन फर्स्ट जहां से क्विट किया, सेकंड जहां ज्वाइन किया, अगर कुछ ड्यूरेशन ऐसा आ जाए टेम्परेरीली तो उसे इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल और टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट।
पॉइंट समझ आया आपको? जब आप एक जगह से सेटिस्फाई नहीं है और आप कहीं और जाना चाहते हैं, तो वो इन बिटवीन जो टाइम बचता है जिसमें आप जॉबलेस रहते हैं, उसको हम आमतौर पे फ्रिक्शनल कहते हैं। ये हमारे यहाँ वैसे आमतौर पे नहीं होती, ये यूरोप में होती है। आपको पता है हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं यार शुक्र जॉब मिली हुई है, कौन छोड़ता है जनाब जॉब। हमारे यहाँ इतना कल्चर नहीं है जॉब छोड़ने का। यूरोप जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है वहां पे ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का कल्चर होता है, हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं होता। एक है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी कहते हैं बाय चॉइस। वॉलंटरी कहते हैं बाय चॉइस, अपनी मर्जी से। सर ये बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट इसकी टाइप है। ये भी डेवलप्ड कंट्रीज में ही होती है, हमारे यहाँ तो लोगों का कल्चर ही नहीं है। इफ मिस्टर ए गेटिंग रुपीज 10,000 पर मंथ, एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज रुपीज 700। अब आप मुझे बताएंगे कॉमन सेंस यूज करके कि क्या इस शख्स को जॉब करनी चाहिए, शुड स्टे इन जॉब और एब्सटेन फ्रॉम जॉब, इसको काम करना चाहिए या इसको घर बैठना चाहिए। अब बताएं, वन शुड गो फॉर जॉब और शुड एब्सटेन फ्रॉम जॉब? एब्सोल्युटली नॉट। उसकी रीजन कौन बताते हैं लोग? रीजन बताते हैं कि जनाब 1,000 के ऊपर एक तो काम करो टका के, टैक्स भी दो, कट कटा के 900 बचेगा, 9,000 सॉरी, मुफ्त में घर बैठ के 700 रुपया लेके खाते हैं, एंजॉय करते हैं, क्या जरूरत है काम करने की। सो व्हेन देयर द गैप बिटवीन द वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिमेन्स वेरी नॉमिनल, याद रख लें हाँ, when the gap or difference between unemployment allowance and wage rate remains very low, isse economics to people prefer to stay at home, people stay at home and abstain from job intentionally and deliberately by choice by plan. wo kehte koi zarurat nahi kaam sham karne ki, ghar baitho government se 700 rupaya मुफ्त में लो। जी आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही है, पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जी जी सर, हमारे यहां तो चक्कर ही कोई नहीं मंसूर भाई, ये सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज की बातें हो रही हैं। अच्छा जी, कॉजेज बताएं जी।
आपकी नजर में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कॉजेज हैं? एनर्जी क्राइसिस को कॉज समझते हैं आप लोग? बिजली गैस वगैरह की लोड शेडिंग जो है इसको कॉज समझते हैं? लो इन्वेस्टमेंट को रीजन समझते हैं? पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी जिम्मेदारी समझते हैं? पॉलिटिकल फैक्टर्स को फैक्टर्स समझते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को समझते हैं? पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज को रीजन समझते हैं? टेक्निकल एजुकेशन ना होना भी कोई फैक्टर है? लोग एमए बीए एफए किए जा रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं उसका, वो क्या सिखाएगा आपको? सिंपल कन्वेंशनल फॉर्मल आपकी एजुकेशन का आपको क्या देती है? कुछ भी नहीं। ये वो फैक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट। स्टेट का कोई रोल है इसमें? स्टेट कुछ कर सकती है सर? सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टेट का, सारी कहानी स्टेट की है। सबसे पहला गवर्नमेंट ये काम करे, लोगों को रियलाइज करवाए कि जनाब एंटरप्रेन्योरशिप पे आओ, एंटरप्रेन्योरशिप पे आओ, एंटरप्रेन्योरशिप पे कारोबार करना शुरू करो, नौकरियां ना ढूंढो। कारोबार की आदत, यस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने छोटे छोटे बिजनेसेस करने की आदत डालें। इंटरेस्ट रेट को थोड़ा गवर्नमेंट लो रखे, लो इंटरेस्ट रेट पे लोग बोरिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करें, कोशिश करें कि लेबर को एंगेज करें, मशीनें ना लगाएं, टेक्नोलॉजी मॉडल ले आए नो डाउट, पर कोशिश करें कि पैरेलल लेबर भी यूज हो। टेक्निकल एजुकेशन दें लोगों को, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखें। पॉलिसीज बनाए,
जी, वही सही। आई नो सर, ये जो वर्क फ्रॉम होम है ना, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल काम नहीं है। आई डोंट नो आप अग्री करते हैं कि नहीं करते, बट मैं तो फ्रेंकली बताऊं, वर्क फ्रॉम होम जो होता है ना, ये दिस इज नॉट लाइक टीचिंग लाइक दैट, यू नो, जो आप फिजिकली क्लासेस में होते हैं। मतलब फैमिली को गेस्ट भी आ गए ना, तो उसमें ये फर्ज समझा हुआ कि अच्छा, जा सब घर में, अच्छा किधर है, वो आएगा सलाम लेके, फर्ज समझता है कि फिर नीचे जाऊं। वो ऑनलाइन क्लास को समझते नहीं है कि ये ऑनलाइन क्लास भी, कहते ऑनलाइन क्लास, ओ अच्छा कहा आ रही है ना, मैं इधर आया हूँ, मैं प्यार देखे आया इधर। अब दारी बात, वो आएंगे तो म्यूट तो करना पड़ेगा ना मुझे, कि वो इस बात को समझते ही नहीं है। वो मुझे कहते हैं, गांव से आए हुए, वो मुझे कहते हैं ये कड़ा टाइम पड़ा आंदा, मतलब उनको लग रहा है कि ये 8:30 हो रहे हैं, ये कौन सी पढ़ाइयां हो रही हैं। तो वो फिर मतलब उनको डिसक्रेडिट गोज टू कोरोना मंसूर। और बच्चे भी ना, घर आ जाए ना तो मैं कहूंगा बेटा प्लीज आप उस रूम में चले जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना, ये वो फील करते हैं कि ये क्या है, मतलब हम लोग अब इतने गंदे हो गए। पहले घर आते हैं तो आप कहते हैं आ जाओ मेरे पास बैठो, ये करो वो करो, अब अब्बा मुंह नहीं लगाते हमें। तो वो समझते हैं ये जो घर में टीचिंग हो रही होती है ना, ये तो ऐसे बाय द वे ही होती है, क्या है मतलब, गॉट इट। इसलिए मुझे ऑफ एंड ऑन कहीं, हाँ जी, उनको लगता है कि घर पे भी हैं और फिर अजीब बात कर रहे हैं। अब मैंने म्यूट किया था ना, मुझे कह रहे थे सामने से कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा दें किसी को कहकर, मैं कहा जान दो तो मेहरबानी, क्लास चल रही है, 2 मिनट पहले म्यूट किया हमने। वो उनको लग रहा है कि घर बैठे मेरे तो खैर है, क्या ये छोटे मोटे काम तो चलते रहेंगे साथ साथ। चलने जी, अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ आ गई सर, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग भी घरों पे ही हैं और आप लोगों ने तो माइक किए हुए म्यूट, सारे करें ना म्यूट, अनम्यूट, तो पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, और कैमरास ऑन कर ले हम सारे, तो समझ आ जाएगी कि चल क्या रहा है। ठीक है सर, इंशाल्लाह फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सी यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।